हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट मेक इट इज प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों लेक्चर की सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है आ, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग तो बच्चों टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए हम आगे देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासीफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन हम ड्रिलिंग मशीन्स को कैसे हम क्लासिफाइफाइड करते हैं बच्चों तो ड्रिलिंग मशीन्स को हम दो तरीके से बच्चों हम क्लासिफाइड करते हैं एक, आपका हो गया एक आपका क्या हो गया एक आप क्या हो गया पोर्टेबल एक हो गया आपका पोर्टेबल टाइप ड्रिलिंग मशीन एक हो गया आपका पोर्टेबल टाइप पोर्टेबल पोर्टेबल टाइप पोर्टेबल टाइप का मतलब बच्चों जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से मूव किया जा सके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अपनी जरूरत के हिसाब से उसको कहीं पर भी आपको मूव कराया जा सके ऐसी ड्रिलिंग मशीन को हम क्या बोलते हैं पोर्टेबल टाइप ड्रिलिंग मशीन और जनरली आपने जो देखा होगा इलेक्ट्रिस के पास अगर देखा होगा आपने गन टाइप की जो ड्रिलिंग मशीन होती है वो क्या है आपकी वो आपकी आ, क्या कहते हैं आपका पोर्टेबल टाइप ड्रिलिंग मशीन है दूसरा होता बच्चों आपका फिक्स टाइप कौन सा होता है आपका फिक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन फिक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन दूसरा आपका कौन सा है फिक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन ये हो गया आपका फिक्स टाइप ड्रिल मशीन सॉरी ये बच्चों इसको बोलेंगे हम फिक्स जो एक जगह फिक्स हो जाती है फिक्स टाइप फिक्स टाइप ये कौन सी आपकी फिक्स टाइप अब पोर्टेबल टाइप और फिक्स टाइप बच्चों पोर्टेबल टाइप और फिक्स टाइप जो है अलग अलग ड्रिल मशीन है पोर्टेबल का मतलब कि आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आप क्या कर सकते हो बच्चों पोर्टेबल पोर्ट port कर सकते हो और पोर्टेबल की अगर मैं बात करूं बच्चों पोर्टेबल टाइप की अगर बात करूं तो एक होता है बच्चों आपका एक होगा आपका मैनुअल एक होता है आपका मैनुअल एक होता है आपका मैनुअल और एक होती है आपकी पावर पावर टाइप मैनुअल टाइप और पावर टाइप

फिक्स टाइम ड्रिलिंग मशीन में बच्चों आपकी फिक्स रहती है जॉब को आपको वहां पर ले जाना पड़ता है जॉब को वहां पर ले जाकर आप क्या करते हैं उसमें ड्रिल करती है मशीन आपकी एक जगह फिक्स रहती है लेकिन यहां पर क्या होता होता जहां पर आपको कार्य करना है कार्य स्थल पर जाकर आपकी ड्रिल जो है वो क्या करती है अपना काम करती है तो ऐसे ड्रिलिंग मशीन को हम क्या बोलेंगे बच्चों पोर्टेबल टाइप ड्रिलिंग मशीन इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों ये मैनुअल टाइप है और दूसरा आपका पावर टाइप है और मैनुअल टाइप आपका क्या होता है मैनुअल टाइप जो ऑपरेट होती है मैनुअली जैसे बच्चों जैसे आपकी हैंड ड्रिल हुए जैसे क्या हुई आपकी हैंड ड्रिल हुई इसको वेवल गियर टाइप आप क्या बोलते हो इसको वेवल गियर टाइप आप आ, ड्रिल भी कहते हो क्यों कहते हैं बच्चों क्योंकि इसमें जो हाथ से अगर हमने देखा होगा घुमा को नाइनटी डिग्री पे पावर ट्रांसमिट होता है वेवल गियर इसमें यूज होता है तो आपने देखा होगा पहले आपने देखा होगा कारपेंटर के पास जो है बहुत ज्यादा जो यूज होती थी आपकी हैंड ड्रिल अगर छोटे छह एम तक के आसपास पांच छह एम के अगर आपको होल ड्रिल करने हैं बच्चों तो हैंड ड्रिल हैंड ड्रिल से आसानी से क्या हो जाता था होल हो जाता था तो ऐसे मशीन जिसे ड्रिल मशीन को हो जैसे होल ड्रिल मशीन होगी इसके अलावा बच्चों ब्रेस्ट ड्रिल 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 क्या होती है बच्चों आपके एक एक मशीन होती है जो आपका जो किसके प्रेशर से आपका जो छाती है उसके प्रेशर से आप उसको ऑपरेट करते हैं उसको क्या करते हैं बच्चों उसके प्रेशर से आप उसको सारा देते हैं आप ड्रिल करने के लिए उसमें एक ब्रेस्ट प्लेट लगी रहती है उस ब्रेस्ट का यूज करते हो आप उसको सारा देने के लिए उसको आपको प्रेशर देने के लिए तो ये वाली क्या बच्चों इसको कहते हैं ब्रेस्ट प्लेट टाइप जो ब्रेस्ट ड्रिल मशीन

कि आप रेचेट कहां पर यूज होती है रेचेट बच्चों वहां पर यूज होती है रेचेट टाइप ड्रिल मशीन जहां पर और मशीनें यूज नहीं हो पाती है बहुत नैरो जो है आपका गैप है या फिर ऐसी जगह जहां पर जो है ये जो आपकी इससे पहले जो हमने मशीनें बोली आपकी हैंड ड्रिल है आपकी और टाइप की जो ड्रिल मशीन है या फिर गन ड्रिल है ये ऑपरेट करना जो है मुश्किल हो जाता है कहीं जो जगह है आपको वहां पर जो है ड्रिल एडजस्ट करना आसान नहीं रहता है तो ऐसे जगह हम क्या करते हैं बच्चों रेचेट ड्रिल मशीन का यूज करते हैं और रेचेट क्या होता है आपका जब हम उसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन तभी आपकी ड्रिल घूमेगी जब वापस आएगी जब वापस आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज उस दौरान ड्रिल नहीं घूमेगा ठीक तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन घुमाने पर ही उसको क्या होगा वो आपकी जो ड्रिल है वो घूमेगी इसलिए ये क्या होती थोड़ी स्लो प्रोसेस होती है फिक्स टाइप ड्रिल मशीन की अगर मैं बात करूं तो वो सारी की सारी मशीन मशीन है बच्चों, वो की सारी सारी की है जो हमारी वर्कशॉप में हम देखते हैं सारी ये, सारी सारी, सारी है, ये किसमें आती है किसमें आती है आपकी, 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 आपकी।, आपकी। फिक्स टाइप ड्रिलिंग मशीन में इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों इतनी बात मेरी क्लियर होगी ठीक तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा इसको अगर मैं मिठाऊ थोड़ा सा बच्चों में इसको दोबारा से ताकि एक ही एक ही स्लाइड में आपका पूरा का पूरा आ जाए ठीक इसको थोड़ा सा छोटा करके करता हूं ताकि एक ही में आपका पूरा पूरा आ जाए बच्चों चो क्या क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासी क्या बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिल मशीन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रिल मशीन कैसे क्लासीफाई करते थे बच्चों हम इसको? इसको एक है बच्चों एक क्लासिफिकेशन इसका है पोर्टेबल टाइप पोर्टेबल टाइप और एक है बच्चों आपका कौन सा एक है आपका कौन सा एक क्लासिफिकेशन आप इसका फिक्स फिक्स टाइप क्लासिफिकेशन पोर्टेबल टाइप और पोर्टेबल पोर्टेबल टाइप में बच्चों हम दो तरीके पढ़ते हैं इसमें एक पढ़ते हैं हम एक हो गया बच्चों इसमें आपका मैनुअल एक हो गया आपका मैनुअल ठीक और एक हो गया बच्चों आपका कौन सा आपका पावर पावर ड्रिल पावर मैनुअल ड्रिल मशीन मैनुअल ड्रिल मशीन में कौन कौन सी आएगी बच्चों मैनुअल कौन सी आएगी हैंड ड्रिल मशीन जो है वो किस में आएगी आपकी वो हैंड ड्रिल मशीन इसके अलावा बच्चों हैंड ड्रिल मशीन को वेवल गियर वेवल गियर ड्रिल मशीन ड्रिल मशीन भी बोलते हैं किसको हैंड ड्रिल मशीन को इसको हैंड ड्रिल मशीन को बात मेरी क्लियर होगी इसके बाद आगे अगर चलूं बच्चों तो आपका रेस्ट ड्रिल, रेस्ट भी किस कौन सी आपकी मैनुअल ड्रिल मशीन। इसके बाद जो ड्रिल होती है बच्चों रैचेट जो ड्रिल होती है वो भी किसमें आती है आपकी मैनुअल में आती है लेकिन पोर्टेबल लेकिन पोर्टेबल टाइप का आपका क्लासिफिकेशन है अगर पावर ड्रिल मशीन की अगर मैं बात करूं बच्चों तो इलेक्ट्रिक जो आपकी होती है इलेक्ट्रिशियन आपका बहुत ज्यादा यूज करता है जो ड्रिलिंग मशीन वो कौन सी होती है आपकी इलेक्ट्रिकल टाइप जो आपकी देखा होगा आपने कैसे गन टाइप जो होती है इसको कहेंगे बच्चा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन और एक होती है बच्चों जो एयर के प्रेशर से कंट्रोल होती है ऑपरेट होती है उसको कहते हैं न्यूमेटिक न्यूमैटिक ड्रिल आपका क्या है मशीन इतनी बात क्लियर होगी ये आपकी कौन सी बच्चों ये आपकी एक पावर ड्रिल मशीन से आगी लेकिन किसका क्लासिफिकेशन है पोर्टेबल टाइप का फिक्स टाइप का कौन कौन सा होगा बच्चों बेंच ड्रिल मशीन बेंच ड्रिल मशीन और इसी को इसी को सेंसिटिव सेंसिटिव ड्रिल मशीन या फिर सेंसिटिव बेंच जो ड्रिल मशीन भी इसको कहा जाता है तो ये आप सेंसिटिव बेंच ड्रिल यह भी इसको कहा जाता है ठीक इसी को अगर मैं क्लासिफिकेशन बनू तो इसी में हम एक पढ़ते हैं पिलर टाइप इसी में बच्चों एक कॉलम टाइप कॉलम टाइप ठीक इसके अलावा आपका रेडियल टाइप रेडियल टाइप ड्रिल मशीन क्या बच्चों ड्रिल मशीन ये सारे के सारे बेंच ड्रिल मशीन हुई सेंसिटिव ड्रिल मशीन हुई पिलर टाइप ड्रिल मशीन हुई चौंक कॉलम टाइप ड्रिल मशीन हुई रेडियल टाइप ड्रिल मशीन हुई ये सारी की सारी क्या है फिक्स्ड टाइप मतलब मशीन जो है आपकी वो फिक्स रहेगी जॉब को आपको इसकी टेबल पर ले जाकर उस पर ऑपरेशन करना पड़ेगा ठीक इनमें ज्यादातर ऐसे होता है रेडियल को छोड़ के रेडियल का केस अलग है रेडियल बड़े लार्ज जो वर्क पीस होता है उसके लिए यूज होती है अब एक के बाद हम एक एक अगर देखे मच्छों, अगर देखें बच्चों बेंच ड्रिल मशीन आपने अपनी वर्कशॉप में देखा होगा छोटी सी मशीन होती है एक बहुत छोटी सी होती है जो बहुत सेंसिटिव बहुत एक्यूरेट बहुत आपके जो है वर्क के लिए की बनाई जाती है छोटी ड्रिल मशीन बहुत छोटे कार्यो के लिए उसको आप किस में फिट करते हैं आपने देखा होगा उसको आप बेंच के ऊपर उसको क्या करते हैं फिक्स करते हैं बेंच के ऊपर इसीलिए इसको बेंच

काम करने के लिए ये के लिए यूज होती है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं सेंसिटिव ड्रिल मशीन भी कहते हैं बच्चों टूल रूम में बहुत ज्यादा देखने को ये मिलती है इसके बाद आता है बच्चों पिलर टाइप ड्रिल मशीन जनरली जो हमारे वर्कशॉप में जो जनरली हमारे पास रखी रहती है ड्रिल मशीन वो कौन सी होती है आपकी वो पिलर टाइप ड्रिल मशीन होती है कौन सी होती है पिलर टाइप ड्रिल मशीन्स छोटे थोड़े से छोटे बड़े जो साइज के जो जॉब है उन पर अगर मुझे काम करना हो तो मैं कौन सी यूज करता हूँ पिलर टाइप ड्रिल मशीन इसमें क्या होता है बच्चों एक पिलर होता है आपका पिलर पे क्या हो आपकी टेबल लगी रहती है ठीक टेबल के ऊपर क्या रहता है आपका ड्रिल हेड लगा रहता है तो इसी इसी पिलर के ऊपर जो है सारी की सारी चीजें जो आपकी अटैच होती है टेबल्स को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं तो ये मशीन जो होती है कौन सी होती होती पिलर पिलर होती होती है होती है होती है है पिलर पिलर टाइप 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 और कॉलम कॉलम ड्रिल ड्रिल में में क्या ये साइज थोड़ी बड़ी मशीन जो सेम पिलर टाइप के जैसे होते हैं लेकिन साइज में थोड़े बड़े साइज के जॉबों पे काम करने के कोई हैवी अगर मेरे को वर्क साइज पे अगर काम करना है बच्चों तो मैं वहां पर कौन सी करता हूँ वहां पर करता हूँ कॉलम टाइप ड्रिल मशीन यूज करता हूँ कॉलम टाइप ड्रिल मशीन इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों रेडियल टाइप ड्रिल मशीन और इस रेडियल टाइप ड्रिल मशीन जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेडियल टाइप ड्रिल मशीन सबसे पहली बात जो है बड़े अगर लार्ज जो है हमारे वर्क पीस है मेरे जो जॉब जो है जॉब का जो साइज है वो बहुत ज्यादा है उनको टेबल पर फिक्स नहीं किया जाता है तो ऐसे कार्यों के लिए जो है हम रेडियल टाइप ड्रिल मशीन यूज करते हैं इसमें बच्चों इसमें क्या होता है एक ओवरहैंगिंग आर्म आम होती है क्या होती है मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूं लेकिन उससे उससे पहले नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक चीज आपको दिखाता हूं रेडियल टाइप ड्रिलिंग मशीन जो बताऊ रेडियल टाइप ड्रिल मशीन जो है रेडियल टाइप ड्रिल मशीन वो भी आपकी तीन टाइप की होती है को भी कितनी होती है आपकी तीन टाइप की होती है रेडियल टाइप ड्रिल मशीन रेडियल टाइप ड्रिल मशीन कितनी होती है तीन टाइप की एक तो हो गया बच्चों आपका, एक होगी आपकी प्लेन रेडियल ड्रिल कौन सी होगी प्लेन रेडियल ड्रिल मशीन प्लेन रेडियल ड्रिल मशीन प्लेन रेडियल प्लेन रेडियल ड्रिल मशीन है लिखता हूं ड्रिल मशीन एक होती बच्चों सेमी रेडियल ड्रिल मशीन सेमी रेडियल ड्रिल मशीन एक होता है आपका यूनिवर्सल रेडियल मशीन यूनिवर्सल ड्रिल मशीन इसको यूनिवर्सल ड्रिल मशीन भी कहते हैं यूनिवर्सल ड्रिल मशीन भी कहते हैं एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है किस मशीन में निम्नलिखित में से किस मशीन में आपकी ओवरहैंगिंग आम होती है या किस मशीन में जो है आपकी रेडियल आम होती है बच्चों तो वो कौन सी होती है आपकी वो कभी कभी क्वेश्चन में केवल यूनिवर्सल ड्रिल मशीन दिया रहता है कभी कभी सारे ऑप्शंस दिए होंगे लेकिन वहां पर यूनिवर्सल ड्रिल मशीन लिखा होगा वहां पर रेडियल का जिक्र नहीं होगा तो यूनिवर्सल ड्रिल मशीन जो है वो किसका टाइप है वो किसका टाइप है आपका रेडियल टाइप ड्रिल मशीन का और सबसे ज्यादा एडवांस स्वरूप है रेडियल ड्रिल मशीन का रेडियल ड्रिल मशीन क्यों कहते हैं बच्चों इसमें एक ओवर हैंगिंग आम होती है क्या होती है एक ओवर हैंगिंग आम होती है मैं आपको दिखा देता हूं इसमें एक ओवर हैंगिंग आम होती है कैसी होती है बच्चों कैसी होती है मैं आपको दिखा देता हूं मैं आपको दिखाने की ओवर हैंगिंग आम और इसी ओवर हैंगिंग आम पर क्या लगा रहता है मेरा इसी ओवर हेंगिंग पर मेरा क्या लगा रहता है बच्चों वो ड्रिल रहत लगा रहता है क्या लगा रहता है ड्रिल लगा रहता है क्या लगा रहता है ड्रिल लगा रहता है देखिए बच्चों ये देखिए आपकी टाइप्स जो कौन सी होगी आपकी ये आपकी ये होगी आपकी देखिए बच्चों ये 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 कौन सी है आपकी ये कौन सी है आपकी ये वाली जो ड्रिल मशीन्स है ये कौन सी है आपकी ये कौन सी है आपकी पिलर टाइप ड्रिल मशीन ये कौन सी है आपकी पिलर टाइप ड्रिल मशीन अगर इसको मैं पीछे गाउ ये कौन सी आपकी बेंच ड्रिल मशीन जिसको आप सेंसिटिव ड्रिल मशीन भी कहते हैं ये कौन सी आपकी पोर्टेबल गन टाइप इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन ये तमाम दिख रही है आपकी और मैं आपको दिखा रहा था बच्चों आपको दिखा रहा था यूनिवर्सल ड्रिल मशीन कौन सी दिखा रहा था यूनिवर्सल ड्रिल मशीन यूनिवर्सल ड्रिल मशीन कौन सी होती है बच्चों ये बच्चों ये कौन सी आपकी ये कौन सी आपकी प्लेन है ये, ये वाली जो आपको दिख रही होगी बच्चों ये कौन सी है आपकी ये यूनिवर्सल ड्रिल मशीन है अब यूनिवर्सल ड्रिल मशीन की बात अगर मैं करूं बच्चों अगर मैं बात करूं तो ये क्या है आपका ये रेडियल आम है क्या है, आम है. ये क्या है आपकी रेडियल आम है ये रेडियल आम है ठीक इसके ऊपर इस रेडियल और इस रेडियल आम कौन सी है ओवर हैंगिंग आम भी कहते हैं इसको ओवर ओवर हैंगिंग आम भी बच्चों इसको कहते हैं ओवरहैंगिंग आम इसी ओवरहैंगिंग आर्म में ये क्या लगा बच्चों ड्रिल हेड क्या होगा आपका ड्रिल हेड अब देखिए क्यों इसको यूनिवर्सल या फिर क्यों इसको रेडियल ड्रिल मशीन कहते हैं देखो कॉमनली जो हम जनरली जो हमारे वर्कशॉप में बच्चों जो मशीनस रखी रहती है आपकी जो मशीन रखी रहती है चाहे पिलर टाइप हो कॉलम टाइप हो उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है आपका ओवरहैंगिंग आर्म नहीं होता है आप नहीं होता है हम अपने जॉब को टेबल के ऊपर हल्का फुल्का आगे पीछे मोशन दे सकते हैं और अगर हम बड़ा अगर साइज का जॉब है तो मैं अपने मूवमेंट मोशन, मोशन, दे कर सकता हूं किस पे अपना पिलर पे लेकिन यहां पर देखे बच्चों यहां पर एक मोशन जो ड्रिल ड्रिल मोशन डिल का है कि ये ऐसे भी मोशन कर सकता है ऐसे भी मूवमेंट कर सकता है देखो मूवमेंट देखो कितने सारे ऐसे भी मूवमेंट कर सकता है ऊपर नीचे भी कर सकता है बच्चों ऊपर नीचे भी आपका कर सकता है इसके अलावा ये जो आम है बच्चों ये वाली जो आम है ये रोटेट भी कर सकती है ये रोटेट भी कर सकती है वर्टिकल एक्सिस पे ये रोटेट भी कर सकती है इस पे एक्सिस कितने मोशन हो गए ये तीन हो गए ये प्लेन रेडियल ड्रिल मशीन है ये क्या है बच्चों प्लेन रेडियल ड्रिल मशीन तीन हो गए एक दो और तीन ये तीन मोशन हो गए तीन मूवमेंट हो गया इसके अलावा बच्चों अगर इस ड्रिल को इस ड्रिल को मैं टिल्ट कर सकू सेवल्ट कर सकू एक एंगल में एक किसी एंगल पे इसको झुका सकू किसी एंगल पे इसको मोड़ सकू किसने ड्रिल हेड को ड्रिल हैड को टिल्ट कर सकूं, कर सकूं कर बच्चों झुका सकूं। अगर मेरे को क्या करगा इनक्लाइन होल करना है इनक्लाइन में कहीं पर होल करना है तो अगर ऐसी सुविधा है तो मुझे मैं उसको कहता हूं बच्चों उसको कहता हूं मैं सेमी यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन कौन सी बोलता हूं सेमी सेमी रेडियल ड्रिल मशीन अगर वो किसी एंगल पे मैं क्या कर सकता हूँ इसको टिल्ट कर सकता हूं टिल्ट कर सकता हूँ या फिर कर सकता हूँ ठीक तो इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों इसको मैं क्या बोलता हूं इसको बोलूंगा मैं सेमी रेडियल ड्रिल अच्छा यूनिवर्सल कब बन जाती है बच्चों यूनिवर्सल कब बन जाती है जब ये वा, जब ये वाली जो ये वाली जो आम है कौन सी ये वाली जो आम है ये वाली जो आम है ये यहां पर ये यहां पर जो है मोशन कर जाए पूरी घूम जाए मतलब मतलब सपोज अगर मुझे छत पर भी ड्रिल करनी है अगर मेरा जो साइज वर्कपीस है जो जॉब है उसका साइज जो है बहुत बड़ा है ठीक तो ये ड्रिल हेड जो है आगे पीछे घूम के हो सकता है उस जॉब के जॉब जो है बहुत बड़ा है जॉब के ऊपर अंदर जो है ऊपर जो है आपका किसकी छत की साइड के ऊपर आपके क्या कहते हैं ड्रिल करना है तो वहां पर भी पॉसिबल है इस साइड को अगर जॉब करना है तो वहां पर भी पॉसिबल है इस साइड अगर जॉब करना है आगे करना है पीछे करना है किसी जॉब के बहुत लार्ज जॉब बहुत अगर साइज जो है आपका बहुत बड़ा है या फिर किसी इनका क्या कह कहना है आपको होल करना है वो किसी एंगल पे करना है इंक्लाइन होल करना है तो वो भी यहां पर पॉसिबल है तो इतने सारे मूवमेंट होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं बच्चों इसको यूनिवर्सल रेडियल इसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल रेडियल ड्रिल से या फिर यूनिवर्सल ड्रिल मशीनस बोलते हैं ठीक कितने सारे मोशन हो गए बच्चों ये सारे के सारे जो ये हैं आपकी रेडियल ड्रिल मशीनस और प्लेन रेडियल ड्रिल मशीनस की बात करूं आपकी जनरली आपको अगर आपने देखी होगी वर्कशॉप में आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाती है और जनरली आपसे पूछा भी जाता है कि प्लेन ड्रिल मशीनस में कितने आपके मोशन होते हैं ठीक सेमी रेडियल ड्रिल मशीन में आपके कितने आपके मोशन होते हैं कितने मूवमेंट होते हैं आपके तो मूवमेंट देखिए बच्चों किस किस का है आपका ठीक इसका मूवमेंट है आपका आ, किसका ड्रिल हेड का मूवमेंट है किस पे ओवर हैंगिंग आर्म पे ओवर हैंगिंग आर्म का मूवमेंट है ओवर हैंगिंग आर्म का ऊपर नीचे मूवमेंट है तो यहाँ पर प्लेन में तीन थे चौथा क्या आपका जो टिल्ट हो सकता है कौन क्या आपका जो ड्रिल हेड है ये बना इसने बनाया है है इसको इसके बच्चों अगर 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 ये ये जो जो घूम सके ड्रिल हेड इस पर लगा हुआ है ये ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कहीं पर भी ड्रिल कर सके अगर तो इसको मैं क्या बोलूंगा इसको मैं बोलूंगा रेडियल ड्रिल मशीन तो ये थी बच्चों मेरी रेडियल ड्रिल मशीन तो एक आपकी एक आपकी कौन सी हो गई ठीक इसके अलावा बच्चों इसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक होती है आपकी ये देखिए बच्चों ये देखिए इस तरीके से इस तरीके से देखो किसी भी ये आपकी यूनिवर्सल है ये सेमी यूनिवर्सल है देखो किसी एंगल पे अगर मुझे ड्रिल करना है किसी एंगल पे अगर मुझे ड्रिल करना है तो मैं आसानी से ड्रिल कर सकता हूं क्यों क्योंकि यहाँ पर जो ड्रिल हैड है वो किसी एंगल पे किसी एंगल पे सुवर्ड हो सकता है टिल्ट हो सकती है इसीलिए इसको क्या कहते हैं सेमी यूनिवर्सल ड्रिल मशीन इसको क्यों बोला रेडियल आर्म जो घूम सकती है एक्सिस एक्सिस पे पे ये क्या कर सकती है घूम सकती है घूम सकती है तो इसका मतलब ये कहीं पर भी आपका छेद कर सकती है इधर ऊपर पीछे नीचे हर जगह आपका क्या कर सकती है छेद कर सकती है ड्रिल होल कर सकती है इसीलिए इसको क्या बोला यूनिवर्सल ड्रिल मशीन इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों ठीक इसके अलावा कुछ स्पेशल इसके अलावा बच्चों कुछ स्पेशियल ड्रिल मशीन होती है जैसे गैंग ड्रिल मशीन जैसे गैंग ड्रिल मशीन और मल्टी स्पिंडल ड्रिल स्पिडल गैंग ड्रिल मशीन और मल्टीपल इस तरीके की होती है ये कौन सी है बच्चों गैंग ड्रिल मशीन अब गैंग ड्रिल मशीन और मल्टीपल ड्रिल मशीन में क्या डिफरेंस है गैंग ड्रिल मशीन और मल्टीपल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है गैंग ड्रिल मशीन में बच्चों गैंग ड्रिल मशीन में मल्टीपल स्पिंडल तो होते हैं मतलब दो या दो से ज्यादा आपके अगर स्पिंडल होंगे हर स्पिंडल हर स्पिंडल के लिए अलग अलग मोटर लगी होगी बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों अगर मैं गैंग ड्रिल मशीन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर बच्चों देखिए कितने कहा कितने आपके कितने हैं देखिए एक ये है ठीक दूसरा स्पिंडल यह है बच्चों तीसरा आपका यह है चौथा यह है चारों स्पिंडल के लिए अलग अलग मोटर लगी है यह बच्चों M1 है ये क्या है M1 है यह आपकी M2 है यह आपकी M3 है यह आपका M4 है हर स्पिंडल के लिए अलग अलग मोटर लगी होगी क्या, अगर हमें एक ही जॉब पे एक से ज्यादा ऑपरेशन करने हैं फॉर एग्जाम्पल मुझे ड्रिल भी करना है ड्रिल करने के बाद मुझे रिमिंग भी करना है और रिमिंग करने के बाद मुझे टैपिंग भी करना है तो मैं एक स्पिंडल पे इस वाले में इस वाले स्पिंडल में, मैं अपने ड्रिल कर दूंगा दूसरे उसके आगे वाली में मैं रिमर लगा दूंगा उससे नेक्स्ट वाले में मैं टैप लगा दूंगा तो एक यहां पर जॉब एक बारी में एंटर करता है और दूसरी बारी में कंप्लीट होकर निकलता है तीनों ऑपरेशन एक साथ हो जाते हैं इतनी बात मेरी क्लियर होगी तो मैं कुल मिलाकर यह कह सकता हूं चाहे आपका मल्टीपल स्पिंडल हो या फिर गैंग ड्रिल हो ये दोनों की दोनों जो मशीन समझो मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है इसका जो यूज किया जाता है कहां पर मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है तो एक चीज आप एक अंतर आप बिल्कुल समझ लीजिए मल्टी स्पिंडल में क्या होता है बच्चों गैंग ड्रिल में सॉरी गैंग ड्रिल मशीन में क्या होता है कि हर स्पिंडल के लिए अलग अलग मोटर होती है अलग अलग स्पीड में हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं इसको कम स्पीड में चला सकते हैं इसको ज्यादा स्पीड में इसको कम स्पीड में चला सकते हैं फिर मतलब अलग अलग स्पीड में हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं सारी की सारी जो स्पिंडल है इतनी बात मेरी क्लियर होगी इसके अलावा हर एक स्पिंडल को अलग अलग तरीके से हम फीट दे सकते हैं हर स्पिंडल पर अलग अलग तरीके से हम फीट दे सकते हैं

जो आपके स्पिंडल है वो सारे के सारे ऑपरेट होते हैं मेन स्पिंडल से जिसको केवल एक ही मोटर ऑपरेट करती है जिसको एक ही मोटर जो है रोटेट करवाती है यहां पर हर स्पिंडल के लिए अलग अलग मोटर नहीं होती है वहां पर हर स्पिंडल के लिए बच्चों अलग अलग मोटर हुआ करती थी लेकिन यहाँ पर हर स्पिंडल के लिए अलग अलग मोटर नहीं है एक मेन स्पिंडल जो है वो सारे के सारे जो स्पिंडल को उनको रोटेट करवा रहा है और एक ही मोटर से पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कनेक्ट होगा ये कहां पर आते हैं सपोज कोई एक प्लेट है जिसमें मेरे को एक दूसरी जो लाइन है उसमें दूसरी तरीके ड्रिल करने तो दूसरे ड्रिल लगा दी तो मास प्रोडक्शन के लिए ये मैं यूज करता हूं कौन सा आपका मल्टीपल स्पिंडल इतनी बात मेरे के लिए होगी बच्चों तो गैंग ड्रिल मशीन और मल्टीपल स्पिंडल ड्रिल मशीन में एक चीज तो बच्चों एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि दोनों के दोनों जो है किस लिए यूज की जाती है तो ये बच्चों मास प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती है ये स्पेशल ड्रिलिंग मशीन है किसी स्पेशल पर्पज के लिए डिजाइन की जाती है सपोज मेरा अभी जो काम हो रहा है कि कोई प्रोडक्ट मेरे को बनना है उसमें तीन ऑपरेशन है तीनों ड्रिलिंग से रिलेटेड ऑपरेशन है तो मैंने अपने स्पिंडल जो है अपने स्पिंडल में उसी तरीके से अपना जो है ड्रिल्स जो है वो फिट कर दी उसी हिसाब से तो ये स्पेशल ड्रिलिंग मशीन है किसी स्पेशल आपको ऑपरेशन डिजाइन करना है तो उसके लिए ये वाले जो है मशीन जो है हम यूज करते हैं और मास प्रोडक्शन के लिए ज्यादा यूज करते हैं दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या बच्चों इसमें कि यहां पर जो किसमें आपकी गैंग ड्रिल मशीन है गैंग ड्रिल मशीन में हर स्पिंडल को अलग अलग मोटर जो है चलाती है लेकिन यहां पर सारे के सारे जो स्पिंडल होते हैं उसको एक मेन स्पिंडल चलाता है जो कि एक ही मोटर से कनेक्ट होती है तो अगर मैं चाहूं यहां पर कि हर स्पिंडल को अपने हिसाब से अलग अलग स्पीड दूं तो ये पॉसिबल नहीं है जो स्पीड मेन स्पिंडल की होगी बच्चों उसी पर ही सारे स्पिंडल चलेंगे लेकिन वहां पर अलग अलग स्पिंडल पे अलग अलग स्पीड में दे सकता हूं क्लियर होगी होगी तो ये था बच्चों मेरा आ, क्या कहते हैं आपका आ, ये है आपका मल्टीपल स्पिंडल ड्रिल मशीन इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों इतनी बात मेरी क्लियर हो, हो गई इतनी बात मेरी क्लियर होगी होगी बच्चों रेडियल ड्रिल मशीन की अगर मैं बात करूं रेडियल ड्रिल मशीन जो थी रेडियल ड्रिल मशीन में जो तो थी वो तीन टाइप की थी एक आपकी प्लेन एक आपकी सेमी और एक आपकी यूनिवर्सल एक यूनिवर्सल एक आपकी यूनिवर्सल और प्लेन में जो है वो क्या प्लेन में क्या होता था बच्चों आपका प्लेन में ड्रिल हेड ड्रिल हेड ड्रिल हेड जो होता है था वो ड्रिल हेड मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों ड्रिल हेड किस पे रेडियल आम पे दूसरा दूसरा क्या बच्चों रेडियल आम पिलर पर रेडियल आर्म पिलर पर ऊपर नीचे मोशन कर सकता है अप एंड डाउन कर सकती है इतनी बात क्लियर तीसरा रेडियल आम पिलर के चारों ओर पिलर के चारों ओर मूवमेंट कर सकती है या फिर चारों ओर घूम सकती है लिखो मैं इसको घूम सकती है इतनी बात मेरी क्लियर हो गई बच्चों इतनी बात मेरी क्लियर हो सकती है इसके अलावा बच्चों अगर सेमी की बात करूं तो यहां पर इस तीन के अलावा इन तीनों के अलावा एक चीज क्या होता है एक चीज एक और मोशन होता है प्लस वन मोशन क्या ड्रिल हेड जो है ड्रिल हेड टिल्ट स्विवेल्ड स्विवेल्ड या फिर टिल्ट क्या मतलब झुकाया ड्रिल हेड को ड्रिल हेड को किसी एंगल पर झुकाया जा सकता है किसी एंगल पर एंगल पर झुकाया जा सकता है इतनी बात करिए यूनिवर्सल ड्रिलिंग मशीन में ये ये तीन थे बच्चों ये प्लस वन हुआ यहां पर क्या हुआ थ्री प्लस वन और यहां पर एक और होगा ये ये चारों तो होंगे ही होंगे इसके अलावा एक और होगा वो क्या होगा बच्चों प्लस वन प्लस वन टोटल कितने पांच इसके अलावा क्या होगा बच्चों रेडियल आम को क्या रेडियल आम को रेडियल आम को हॉरिजेंटल एक्सिस के एक्सिस पर घुमाया जा सकता है घुमाया जा इतनी बात मेरी क्लियर होगी इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों तो प्लेन रेडियल ठीक प्लेन रेडियल सेमी रेडियल और यूनिवर्सल ड्रिल मशीन यूनिवर्सल ड्रिल मशीन ये इसमें बच्चों मेन अंतर था और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों बहुत ज्यादा जो है आपसे पूछा जा सकता है होप कि आपको ये चीजें सब क्लियर होगी होगी बच्चों ठीक आज के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही थैंक यू फिर मिलते हैं बच्चों दूसरे लेक्चर में एस एस सी जेई के लिए हेल्प सर ओके okay। कल मिलेंगे बच्चों